प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए मछलियां हैं, जो हमारा तालाब था, आज हम लोग तालाब पर घूमने आए हैं और यहीं पर मछली भी पकड़ी गई है। तो आज सबका मूड है पार्टी करने का। ये हमारा संडे का ब्लॉग है, तो संडे के दिन हम सभी लोग आए हुए थे और यहीं पर मस्ती कर रहे हैं। आप सभी लोग पूरा देखना। हेलो हेलो, चल भागो, बारिश हो रही, चल भागो, चल भागो। देखो बारिश हो रही है, कीचड़ है। भैया आराम से चलना। ओ माय गॉड, हाँ कितनी मिट्टी है, आराम से आना, गिरना नहीं। आज हम लोग आए हैं तालाब की सैर करने। ये देखिए तालाब है और मछली भी पकड़ी गई है। हम आपको मछली दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा पूरा ब्लॉग देखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। देखो ये देखिए बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना सुहाना सा। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग मोहनलालगंज के आगे। अच्छा अच्छा, मोहनलालगंज के आगे हैं हम लोग। अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चिकनी मिट्टी है, आराम से आना बाबू। आ गए ना। ये देखिए हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, तीन गाड़ी है। अब हम सब लोग इस गाड़ी से जाएंगे घर पे। ये देखिए गाय आ रही, भैंस आ रही है, भैंस है ना। ये देखिए आयुष्मान बैठे हुए हैं गाड़ी पर, इनको भी बहुत मस्ती आ रही है। हम लोग आए थे तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ आए हैं तो धीरे धीरे करके तेज बारिश हुई और तेज बारिश होने के बाद अब बारिश थोड़ा थम गई है। अब हम लोग आ गए हैं रूम पर, तो यहाँ मोहनलालगंज ही आगे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा फार्म हाउस है, तो वहीं पर हम सब लोग आए हुए हैं। बच्चे भी आए हुए हैं, छोटी बिटिया देखिए सो रही है बगल में। और ये प्लाट है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर घूमना बहुत अच्छा लग रहा है, धूप भी कम है, अच्छा लग रहा है। ये हमारी छोटी बहन है, वो बहनोई है पीछे। तो हम सभी लोग आए हुए हैं, आप सबको हम अपना पूरा ये गार्डन दिखाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। वो देखिए मम्मी हमारी हैं जो कि फूल तोड़ रही हैं, वो भैया भाभी भी आ रहे हैं पीछे से। सामने आपको गेट भी दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का वो गेट लगा हुआ है। और ये यहाँ पर बहुत सारी बल्लियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये हमारी बहन है, भाभी हैं, भाभी की बिटिया है छोटी वाली। तो देखिए सब लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी भी अमरूद तोड़ने में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अमरूद भी लगे हुए हैं और बच्चों को भी अमरूद बहुत पसंद है। तो सब ने दो दो चार चार अमरूद भी तोड़े हैं। और तोड़ तोड़ के कोई भी फल होते हैं, जब वो हमें पेड़ से तोड़ के खाने को मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। क्योंकि अमरूद वगैरह हमें पेड़ पे नहीं मिलते हैं, पेड़ से तोड़ के खाने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ हमको अमरूद भी मिले हैं। तो सब लोग बहुत खुश हैं। और ये हमारी बहन है जो कि समरसेबल इन्होंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर पूरी सुविधा है, यहाँ पर लेबर मिस्त्री रहते हैं, दो लेबर रहते हैं जो कि पेड़ों की देखभाल करते हैं दोस्तों। ये देखिए छोटा सा आम का पौधा है जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। इतने छोटे से पौधे में इतने ढेर सारे आम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए खट्टे मीठे से पेहटवे भी हमको मिल गए हैं खाने को, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारी पार्टी भी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब हमारी जो मछली थी वो पकनी शुरू हो गई है। मछली के साथ साथ यहाँ पर मीट भी पकेगा दोस्तों, चिकन पकेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मछली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए चिकन बनेगा। तो अभी पहले चिकन बनेगा और उसके बाद मछली बनाई जाएगी। तो ये देखिए ईंटों का चूल्हा भी बनाया गया है, और ईंटों के चूल्हे पे ही ये मछली और चिकन पकेगा दोस्तों। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो भी मसाले मिले हैं वही मसाले यहाँ पर डालकर इस सब्जी को पकाया जाएगा। इस चिकन की रेसिपी मैंने आपको दी है पहले, आप देख सकते हैं मैंने पूरी रेसिपी बनाई है। और मैंने परसों ये वीडियो अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिल रही है तो
आई बटन में हम ये वीडियो आपको दे देंगे, चिकन की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर देंगे दोस्तों, आप सभी लोग देख लेना। तो ये मसाला पक रहा है, ये हमारी बहन है जो कि बना रही हैं, इनको बहुत शौक है चूल्हे में खाना पकाने का। जब भी कहीं पार्टी होती है, हम सब लोग साथ में होते हैं, तो ये किचन का काम यही संभाल लेती हैं। अगर नॉनवेज पार्टी रहती है तो ये सारा नॉनवेज का काम इन्हीं का रहता है, यही सब बनाती हैं, चाहे चिकन हो, मटन हो या फिश हो, कुछ भी हो, यही सब पकाती हैं। और इनके हाथों में स्वाद भी अच्छा आता है, इनके हाथों से चिकन मटन बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। बाकी के जितने लोग होते हैं वो सारे फ्री रहते हैं, क्योंकि इनको शौक भी है बनाने का, तो इसलिए ये चिकन मटन बनाने में आगे रहती हैं। तो देखिए इनका जो चिकन है, इन्होंने उसको अच्छे से छौंक भी लिया है और ये थोड़ी ही देर में पक जाएगा। इसको खुला ही पकाना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा बर्तन नहीं है जिसको जिससे हम इस पर ढक सकें, तो ये खुला ही पकाया जाएगा और काफ़ी स्वादिष्ट भी बनेगा। लगातार यहाँ पर एक लोग रहेंगे जो कि इसको देखभाल करते रहेंगे। और ये मछली की पकौड़ी भी बनी है, तो मछलियाँ पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी मछलियाँ बची हैं अभी, जो कि सब्जी के साथ, रोटी के साथ सब लोग खाएंगे। और कुछ पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और आधी मछली की सब्जी बनेगी, ये रोटियाँ बन रही हैं चूल्हे में, तो अभी चूल्हा खाली नहीं है, तो इसलिए हम गैस पे रोटियाँ पका रहे हैं। एक तरफ से रोटियां पकाई जा रही हैं, दूसरी तरफ से सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि अभी घर भी जाना है हमें वापस, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा लेट ना होने पाए, फटाफट खाना बन जाए और सब लोग खा लें। तो रोटी भी लगभग बन चुकी है, दोनों सब्जियां भी पक चुकी हैं, अब मछली पकनी रह गई हैं, तो मछली भी छौंकी जा रही हैं और मछलियाँ भी पक जाएंगी 5 मिनट में, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमारे भाई हैं जो कि रोटी सेंक रहे हैं, रोटियां पो रहे हैं दोस्तों हाथों से। यहाँ सभी लोग बड़े खुशी खुशी से खाना बना रहे हैं, जो भी जेंट्स हैं वो भी खाना बनाने में लगे हुए हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर पर तो ये लोग कोई काम छूते नहीं है। और यहाँ पर देखिए रोटी भी बना रहे हैं और सब्जी भी बना रहे हैं। ब्लॉग कैसा लगा?